आज 14 अगस्त के हवाले से हम लोग प्रोग्राम यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं ह्यूस्टन में, जिसको PAGH ने ऑर्गेनाइज किया है, उसके बारे में आप क्या ख्याल कर रहे हैं? अरे हम इसके वर्कर हैं, ये बहुत अच्छी बात है। देखिए सारा मुल्क इकट्ठा है, इसी के लिए हम आ गए हैं। हमारी पूरी कमेटी इसको स्पॉन्सर करती है, हम सारी खवातीन, और ये उसकी जो है डायरेक्टर है, हमारी PAGH की इंचार्ज है माशाल्लाह से। और आप देख लें क्या रंग बहार है, हर एक से मुलाकात होती है, मुफ्त में इतना अच्छा प्रोग्राम देखने को मिलता है। ये मुसलमानों का कमाल है, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये पाकिस्तान है और ये इमरान खान है। आपके ख्याल में जो आज प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहा है, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं कि कम्युनिटी को करीब लाने के लिए, कम्युनिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए आप कैसे देखती हैं इस प्रोग्राम को? हमेशा से हम लोग समझे लाइक 25 ईयर से हम लोग ये प्रोग्राम अरेंज कर रहे हैं PAGH के लिए, और यहाँ के रहने वाले बच्चे जो हैं ख़ास तौर पे जिनको उर्दू नहीं आती, पाकिस्तान के बारे में कुछ पता नहीं है। मैं खालदा मियाँ नज़ीर जो यहाँ के वो ऑर्गेनाइजर प्रेसिडेंट हैं, उनकी वाइफ हूँ मैं, और ऑल ह्यूस्टन वुमेन एसोसिएशन की प्रेसिडेंट हूँ। और उसके थ्रू ये बच्चों के टैबलो हर साल हम लोग करवाते हैं यहाँ पर, और फैमिली गेट टुगेदर होती है, और एक पाकिस्तान ऐसा महसूस होता है कि हम दयारे गैर में अपनी पाकिस्तानियों को की पाकिस्तान की याद ताज़ा कर रहे हैं। और यहाँ पर देखें आप, अभी इससे गेम गेमी है यहाँ पर, और जो बच्चों के टैबलो हम जिस हिसाब से करते हैं वो यहाँ लोग सब बहुत पसंद करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में यहाँ आते हैं और इस जश्न आज़ादी को सेलिब्रेट करते हैं। बच्चों को उर्दू नहीं बोलना आती, वो पूरे नगमे गाते हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं, वो पाकिस्तान को जानते हैं। बोलनी है जो इलामा इकबाल बने हैं, उन्होंने तो इतने प्यारे शेर याद किए हुए हैं, आप आज सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। और ये सारा क्रेडिट हमारी PAGH की सदर की वाइफ को जाता है, जो हमारे प्रोग्राम की इंचार्ज है और ये सब करवाती है। मिस खालदा खालदा जी के हवाले से, जो कम्युनिटी के अंदर जो भी प्रोग्राम्स हो रहे हैं वो जो है हमारे आने वाली जनरेशन के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव साबित हो सकते हैं। आइए आगे चल के और दूसरी खवातीन से बात करते हैं। आप इस बारे में क्या कहेंगी, आज का जो प्रोग्राम यहाँ पे कंडक्ट हो रहा है उस बारे में आप कम्युनिटी को किस तरह से देखती हैं, और आज का टर्न अराउंड आप कैसे देखेंगे? माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा क्राउड आया हुआ है, सब बहुत गहमा गहमी और सब इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारा स्पेशल डे है। स्पेशली हम लोग आउट ऑफ कंट्री हैं अपने, तो ज़्यादा सेलिब्रेट, बच्चे बड़े बूढ़े, आप खुद यहाँ का देखें कितना खूबसूरत महसूस हो रहा है हम सब लोगों को। और हम सब लोग बच्चे यहाँ सब पार्टिसिपेट किया है, सारे प्रोग्राम्स रखे स्पेशली सिर्फ इसलिए कि ये जश्न आज़ादी के लिए, और हम सब की दुआ है कि अल्लाह मियाँ हम लोगों को इसी तरह यकजहती और हिम्मत और ताकत और सब अपने मुल्क के लिए सब दे, आमीन। बहुत शुक्रिया। आज यास्मीन पाशा, अब मिस यास्मीन पाशा से उनके बारे में उनकी राय मालूम करते हैं। आज के इस प्रोग्राम को आप किस तरीके से देखती हैं, ख़ास तौर पे कम्युनिटी में जो गैप्स आ रहे हैं या मतलब करीब लाने के लिए जो जिस तरह की कोशिशें की जा रही हैं, उस बारे में आपका क्या ख्याल है? हम इस नज़र से देखते हैं कि ये जो हम लोग प्रोग्राम करते हैं मिलजुल कर, उसके अंदर बहुत मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, यानी हम परदेश में देश का मज़ा और सबको इकट्ठा करते हैं, हमें महसूस ही नहीं होता कि हम कहीं बाहर हैं, और जितने भी लोग आते हैं वो सब इसको बहुत इंजॉय करते हैं और हमेशा बेहद कामयाब जाता है। बहुत बेहतर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप कुछ कहना चाहेंगे? जीवे जीवे पाकिस्तान, बहुत शुक्रिया। जीवे जीवे पाकिस्तान, बहुत शुक्रिया। तो खवातीन हज़रात, आज हम अपने एक और नए गेस्ट की तरफ चलते हैं, जो कि हमको इस प्रोग्राम के हवाले